हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे न्यू न्यू फ्रेंड्स बने हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। ये बस हम बाज़ार वाले साइड पे अब आ गए हैं। बाज़ार तो नहीं है, ये एक मेन रोड है। यहाँ पे सब ब्रांड्स वगैरह हैं, यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह हैं, बाज़ार तो सारा आगे है। तो पहले हम इधर ब्रांड्स पे जाएंगे, जैसे वर्दा है, केसरिया है, निशात लीलन है। तो सबसे पहले हम ये वर्दा पे आए हैं। ये वर्दा के ड्रेसेस हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका कलर मुझे थोड़ा लाइट लगा था। मुझे थोड़े डार्क कलर पसंद है, तो मैंने देखा था तो मुझे ये इतना वो नहीं लगा। लेकिन फिर जब कोई इतने डार्क कलर्स नहीं थे, तो मैंने लेना भी शर्ट पीस था, थ्री पीस नहीं लेना था, टू पीस और वन पीस में मुझे चाहिए था। तो बस फिर मैंने एक शर्ट ले ली थी यहाँ से, और इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे सिलेक्ट करती आराम से अपनी उसके हिसाब से। तो बस विंटर्स में वैसे भी जल्दी शाम हो जाती है। अच्छा स्टफ़ था, ऑफ भी था यहाँ पे कुछ ड्रेसेस पे, समर्स पे स्पेशली बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन थी वर्दा की। और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग देख लें, बहुत अच्छा वो आया हुआ है। ये शर्ट थी बहुत प्यारी थी, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, जस्ट शर्ट थी 24 में। तो ब्लैक कलर भी था, तो मेरे ब्लैक सूट हो भी चुके हैं, तो बस फिर मैंने बाय नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी सारे थे, ये 1200 में शर्ट भी थी, 1200 में, 1400 में टू पीस भी था, थ्री पीस थोड़ा कॉस्टली रेंज में आ जाता है। तो काफ़ी पसंद आए थे, दो तीन तो बहुत पसंद आए थे, लेकिन इतने नहीं लेने, पहले बहुत कपड़े हो चुके हैं। और ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इंशाल्लाह मैं बाय करूँगी इसको। अभी तो इसकी मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े हो चुके हैं, रेडीमेड भी और दूसरे भी, अनस्टिच भी। तो फ़िलहाल बस मैंने इनको देखा है, हो सकता है कि मैं ऐसा स्टाइल बनवा भी लूँ। और इसके बाद हम लोग इधर आ गए थे निशात पे, वहाँ से हमने दो सूट बाय किए थे वर्दा से। अब हम इधर निशात पे आ गए हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, यहाँ पे सेल वेल नहीं थी। निशात की वैसे भी बहुत कम सेल्स लगती हैं, शायद इस सीज़न के लास्ट में लगे, जब न्यू ईयर होगा तो सीज़न के एंड पे ही लगती हैं। तो फिर हम तो अवेल नहीं करते वैसे सीज़न के लास्ट में, ऐसे ही बंदा लेके रख दे, डिज़ाइन स्टाइल पुराना भी हो जाता है। तो जब वैसे लगती हैं ईयरली, तो फिर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये, वहाँ पे मैं कैटलॉग देख रही थी कि कौन सा डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से मैंने निशात से एक सूट बाय किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा मुझे मिल गया है। बस यहाँ पे हमने सारे कपड़े देखे हैं। कपड़े देखने के बाद हम आगे चले जाएंगे बाज़ार वाली साइड पे। ये बाज़ार नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी बहुत 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 अच्छे ड्रेसेस थे जो हमें पसंद आए हैं, लेकिन हमें थ्री पीस में नहीं चाहिए थे। तो थ्री पीस में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कॉस्टली भी थे। तो थ्री पीस मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है। तो ये लग्जरी रेंज थी, जिस तरह अम्मियाँ होती हैं, एजिड होती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। निशात लीलन पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, और बहुत अच्छे इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं ना, ये आओ मुझे जो ना वो लेके ब्रांड्स लेना होते हैं गाजर। इनके कलर्स मुझे लगता है इतने डिम नहीं होते और रफ़ नहीं होते ये कपड़े। यहाँ से बस मैंने सूट बाय किया है, और अब हम आगे जा रहे हैं बाज़ार वाली साइड पे। आगे बाज़ार वाली साइड पे हम चले जाएंगे, ये यहाँ का लोकल बाज़ार है। और ये शूज़ थे, फैंसी वैरायटी थी, बहुत रश था, बहुत रश था बाज़ार में। तो मैंने वो तो शूट नहीं किया, लेकिन इतना रश था कि समझ नहीं आ रही थी कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। असल में रश इस वजह से भी बहुत है क्योंकि ये वेडिंग सीज़न है, वेडिंग मंथ है, दिसंबर में वैसे भी बहुत शादियां होती हैं, और लोग बच्चों के भी बहुत कपड़े ख़रीदते हैं सर्दियों में, जर्सियां वगैरह। तो बस यही था, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ऐसा लेना है, ख़रीदना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। अभी तो एक चक्कर और लगेगा। ये यहाँ पे सारी फैंसी वैरायटी थी। ये दुपट्टे मेहंदियों पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे ये सारे बस लोग ख़रीद रहे थे। हमने भी चेकआउट किया है, देखा है सब कुछ, लेकिन हमें तो फैंसी नहीं चाहिए था, हमने तो सिंपल वेयर के लेने थे जो नॉर्मल होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी हैं, सब ने जिसने जो चीज़ लेनी थी वो उसने बाय की है। तो रात हो गई थी, तो फिर हम वापस आ गए थे, अभी हमारा एक चक्कर और लगेगा।
यहाँ पे बस हमने सबने देख लिया है, और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको फ्रॉक्स दिखाती हूँ। कुछ शर्ट्स हैं, कुछ फ्रॉक्स हैं, तो ये रेडीमेड थी लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आई। हम सबको वैसे, हम सिस्टर्स को और फ्रेंड्स को बहुत, मतलब कह सकते हैं कि हमारी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, मुश्किल है। हम जब जाते हैं तो हमारे, हमें बहुत मुश्किल से पसंद आता है कि फैंसी हो, हैवी ना हो और लाइट हो, उसका वेट ना हो, तो वो ऐसा हो वैसा हो, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह कपड़े की ख़रीदारी करना। ये इतने प्यारे लग रहे थे, ब्राइड्स को ये इतने अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बस हम एक और मार्केट में आए हैं, यहाँ से हमने पता किया है, मुझे एक ट्राउज़र चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिला। इनके पास भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है, और आजकल ये वेलवेट की शर्ट्स आई हुई हैं, फ्रॉक्स आई हुई हैं, वेलवेट की शॉल्स भी हैं, वो तो दुल्हनों को बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कुछ शादियाँ हुई हैं तो उन्होंने ली हैं। 3,000 तक होती हैं वो, 25 तक होती हैं, लेकिन वो हैवी होती हैं, फिर बंदा उनको ले नहीं सकता। बस उनको ले के ऐसे ही फैशन के तौर पे इंसान ले सकता है, वैसे तो उनको नहीं कर सकता नॉर्मल उसमें यूज़ ना। तो ये भी एक शर्ट थी वेलवेट की, आप देख लें सारी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये नॉर्मल शर्ट्स थी लीलन की, खद्दर की। यहाँ पे भी कोई हमें ख़ास इतनी मज़े की नहीं लगी। ये ब्लैक थोड़ी सी सिस्टर ने लेनी थी, मैंने उसे कहा था आप ले लो, तो उसने कहा नहीं ये सारा गला है ब्लैक में तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ से हम अपने सूट्स के साथ मैचिंग करने आए थे लेकिन नहीं पसंद आई तो नहीं लिया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मरी में ये इस तरह का ये सही रहेगा, कोट मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा, तो अगर मैं ऐसा बाय कर लूँ तो कैसा लगेगा। क्योंकि हमारा प्लान है कि हम विंटर्स में मरी हमने जाना है स्नोफॉल के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए। तो समर्स में तो हम जाते रहते हैं लेकिन विंटर्स में नहीं गए, फर्स्ट टाइम है, तो मुझे कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है वहाँ के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे भी मैंने देख लिया है हम सब ने, तो बस हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किल से हमने बाजार से यहाँ से निकले हैं, बहुत रश था यहाँ पे, बहुत लोग थे। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टॉलर्स देखे हैं, यहाँ से भी मैंने एक स्टॉलर बाय किया है, अच्छे थे, कीमत भी इनकी मुनासिब थी, ज़्यादा नहीं थी, 300 में, 400 में, 350 में सब थे। तो ऐसी जर्सियाँ तो यहाँ पे, स्वेटर्स तो बहुत होते हैं लेकिन वो तो इतना पुराने हो चुके हैं कि उनसे अब दिल भर चुका है। तो अब जो ये अपर स्टाइल्स चले हुए हैं, काफ्तान चले हुए हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं इस फॉर्म में लूँ। तो बस यहाँ पे भी ये बच्चों की वैरायटी थी, बहुत अच्छी चीज़ें भी आई हुई हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे मरी के हिसाब से कोट ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये जो काफ्तान टाइप मैंने आपको दिखाया है कि ये बेस्ट रहेगा, तो फिर मैं बाई कर लूँगी जाके। यहाँ पे भी बस हम देखने आए थे रेडीमेड कपड़े, तो ये एक शर्ट कुछ लगी थी लेकिन इसका स्टफ़ जो था वो बहुत पतला था। यहाँ भी मैं इनको देख रही थी काफ्तान को, तो मैंने कहा ये मुझे एक अच्छा लगा था, और एक इसके पर्पल जर्सी के आगे पड़ा ये वाला, बिल्कुल इधर वाला डार्क पर्पल, तो ये मुझे अच्छा लगा, चलो देखूंगी। अब बस हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम था ये, और बहुत ट्रैफिक हो रही थी, तो हमने सोचा बस अब हम घर चलते हैं, बाकी एक दफ़ा बंदा बाज़ार में एंटर हो जाए तो बस फिर तो निकल नहीं सकता, बहुत ही टाइम लग जाता है, और जब 3-4 बंदों ने ख़रीदारी करनी होती है तो फिर तो बहुत टाइम लगता है। आगे मैं आपको सारी अपनी एक्शन था, तो ये उसका भंगड़ा डाल रहे थे जीतने की खुशी में। यहाँ से बस अब हम वैन में बैठने के लिए वापस आ रहे हैं, रिक्शे में बैठ के, तो मगरिब का टाइम था, ये अंधेरा छा रहा था। बस अब हम इंशाल्लाह ताला इसमें बैठ के घर पहुंच जाएंगे खैर खैरियत से, और घर आके मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, हाल बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, और आपका थैंक यू वक्त के लिए निकालने के लिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।